हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। पुनान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नौकसम चौधरी ने अपने बड़े काफिले के साथ नामांकन दर्ज कराया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नौकसम चौधरी के साथ आज लाखों की तादाद में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। और आपको बता दें कि इस नामांकन को भरने के लिए नौकसम चौधरी के साथ खुद CM मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस रैली में इतनी भीड़ देखने को मिली कि विरोधियों की नींद उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो नौकसम चौधरी पुनान विधानसभा क्षेत्र से वर्षों से विधायक रहती आई हैं। आपको यह भी पता चले कि नौकसम चौधरी इस नामांकन पत्र में बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, विधानसभा नूह क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जाकिर हुसैन आदि बड़े चेहरे इस नामांकन समारोह में मौजूद रहे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे यहाँ आकर यह आश्वासन दिया है और आशीर्वाद दिया है कि जिस दिन मैं अपना नामांकन दाखिल करूं वो मुझे एक आशीर्वाद दें। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं इसकी बहुत कर्जदार हूं और सभी आभारी रहूंगी। मैं यहाँ जो आवाम है जिन्होंने सुबह 10 बजे से रह के एक ऐलान आज पे आकर हमारा इस्तकबाल इस उम्दे तरीके से किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे यह आश्वासन दिया गया है भाजपा पार्टी के द्वारा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसको मैं बखूबी निभाऊंगी और इंशाल्लाह ये सीट हर हाल में बहुत भारी मुहूर्त से आप सब निकाल के हमारे मनोहर साहब के झोली में डालेंगे और ये आशीर्वाद को कायम रखेंगे, ये उम्मीदों को कायम रखेंगे। जिस किस्म से इस प्रदेश में विकास की धारा बहाई गई है, हमें ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है, जो योजनाएं और नीतियां इतनी काबिले एहतराम है कि मेरे जैसी लड़की जो विलायत में रह रही थी उसे वापस अपने वतन लौटने पर मजबूर किया है। मैं उससे बहुत अत्यधिक प्रभावित हूँ और सारी उम्र इनकी कर्जदारी रहूंगी। ये जो आवाम है इसका ये फैसला है कि इस भारी हुकूमत से जिस किस्म से आज आपने तादाद में आकर मेरा हौसला अफजाई की है, मैं इसकी बहुत कर्जदार हूँ और जहाँ आपका हुक्म होगा, जहाँ आप आदेश करेंगे, मेरा सिर भी झुकेगा और मेरे कदम भी चलेंगे। ये मेरा शरीयत है और आज इस वायदे को भूल भी ना सकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारी बहन नौकसम चौधरी, इन्होंने भी आज नामांकन नौकसम चौधरी जी का मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन जब इनके बारे में सुना, जाना और फिर मुझे मिला तो मुझे लगा इस इलाके की बेटी देश और दुनिया में अपनी पढ़ाई करने वाली, इतनी सूझबूझ वाली और यहां के समाज की चिंता करने वाली, इससे बढ़िया कोई प्रत्याशी, कोई बढ़िया इससे बहन हमको यहां इलाके में मिली। मैंने देखा कि यहां के लोगों ने इसकी पहचान की है, मेरे से पहले तो यहां के लोगों ने पहचान की। याद है जब मैं यात्रा में आया था, होटल से जब यात्रा हम लोगों ने प्रवेश की जिले में, सबसे पहले पुराना विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़कर के बड़े कार्यक्रम हुए, नौकसम चौधरी के नेतृत्व में जितने लोग यहां इकट्ठे हुए मेरे लिए अजूबा था। हम प्रदेश में एक रवायत को चला रहे हैं कि बिना भेदभाव के समाज में कैसे आगे बढ़ा,
जा सकता है, सारे समाज को साथ मिलकर कैसे चला जा सकता है। हमने 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा लगाया था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कहीं हुए हुआ तो पुराना विधानसभा में हुआ, तो दर्शन क्या मैंने देखा, चाहे वो यात्रा में देखा था, चाहे आज देखा है। देश में कुछ लोग चर्चा चलाते रहते हैं, हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन यहां मैंने देखा इस भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर यहां का आवाम किसी का साथ दे रहा है तो मैंने नक्सल चौधरी का ऐसे हमारी प्रत्याशी मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र आर्य जी, हमारे यहां के नेता श्री भानीराम मंगला जी, हज कमेटी के चेयरमैन श्री औरंगजेब जी, पार्टी के हमारे इस जिले के प्रभारी श्री डीसी यादव जी, राजकुमार दर्द जी जिले के महामंत्री, दूसरे महामंत्री भाई लियाकत अली, सुभाष भारद्वाज जी तैयब सरपंच और जिला मंत्री हैं, महादेव पहलवान, गुरु सरपंच, सलीम सरपंच, इरशाद हुसैन, अरशद सरपंच, नरेश सिंगला, जाहिद हुसैन, उमेश कुमार आर्य, धर्मेंद्र सोनी, इतने नाम लेते हुए सर गोपाल पटेल, इतने ही नाम है, ये सब जी तो है ही है, जिनका नाम नहीं बोला चाहे इधर है चाहे उधर है, सभी जी सभी मेरे बुजुर्गो नौजवान भाइयों और मेरी आदरणीय बहनों, आज का दिन मेवात के इतिहास का एक विशेष दिन माना जाएगा, क्योंकि यहां के लोगों ने हर बार विधायक तो बनाया, उनमें से मंत्री भी बने, कुछ सरकारों के साथ जुड़े भी सही, लेकिन आज तक हरियाणा जब से बना कमल का फूल यहां पर नहीं गिर पाया था। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है, चाहे नौ विधानसभा से चौधरी डॉक्टर हुसैन हो, चाहे फिरोजपुर झिरका से हमारे नसीम अहमद हो और चाहे पुराना विधानसभा से बहन रोशन चौधरी हो, तीनों के तीनों इस बार जीत के आने वाले हैं और ये देश में और ये दुनिया में एक इतिहास माना जाएगा कि नौक्षण के अंदर हमारे नूप जिले के अंदर तीन विधानसभाओं में कमल का फूल खिल गया, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई और शाहबाद जी आप इसके गवाह बनकर के केंद्र में जाके बताना कि तीनों इस बार तीनों विधानसभा का क्या स्थिति है।